अयोध्या से लौटे आयुष्मान खुराना ने गाया दिल दिल पाकिस्तान गाना। जानिए वायरल वीडियो का पूरा सच। बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसके वायरल होने के बाद से एक्टर को बुरी तरह ट्रोल किया जा रहा है। उनका ये वीडियो अब भले ही वायरल हो रहा है, लेकिन ये वीडियो 6 साल पुराना है। बॉलीवुड एक्टर सिंगर आयुष्मान खुराना का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक्टर आयुष्मान खुराना एक कॉन्सर्ट में गाना गाते नजर आ रहे हैं। इस गाने के बोल हैं जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के मशहूर सिंगर कैफी का गाना है। इस वीडियो को देखने वाले सोशल मीडिया यूजर्स एक्टर को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि वो एक पाकिस्तानी गाना गा रहे हैं जो पाकिस्तान के प्रति प्यार जाहिर करता है। वायरल हो रहा ये वीडियो चंद सेकंड का ही है, जो कि अधूरा है, और इसी के साथ इससे जुड़ी सच्चाई भी अधूरी है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को वायरल कर रहे लोगों का दावा है कि एक्टर पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वहीं कुछ ने इस वीडियो को राम मंदिर से भी जोड़कर देखा है, तो कुछ का कहना है कि एक्टर का दूसरे मुल्क के प्रति प्रेम जगा है, जबकि ये दावे सच्चाई से परे हैं और लोगों को भटका रहे हैं। पूरा मामला कुछ और ही है और इस कॉन्सर्ट का मकसद और भाव भी ट्रोलिंग में किए जा रहे दावों से बिल्कुल इतर है। वैसे बता दें, ये वीडियो हाल का नहीं है, ये वीडियो 6 साल पुराना है। दुबई में हुए एक कॉन्सर्ट में आयुष्मान खुराना ने परफॉर्म किया था। एशियाई देशों के नागरिकों के लिए ये कॉन्सर्ट रखा गया था। इस कॉन्सर्ट में उन्होंने कई गाने गाए। भारत के अलग अलग राष्ट्रवादी गाने गाते भी आयुष्मान खुराना नजर आए। भारतीय जोशीले गाने गाते हुए उन्होंने वहां मौजूद पाकिस्तानी दर्शकों के लिए भी एक लाइन पाकिस्तानी गाने की गाई। अब उसी लाइन को काट कर सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है और एक्टर को ट्रोल कर रहे हैं। फिलहाल इस वायरल वीडियो पर आयुष्मान खुराना की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ये कॉन्सर्ट साल 2017 में 27 अक्टूबर को आयोजित हुआ था। इसकी झलक आयुष्मान खुराना ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर 28 अक्टूबर को साझा की है। इसमें भारत से आयुष्मान खुराना और पाकिस्तान से सिंगर अली जफर शामिल हुए थे। इस कॉन्सर्ट का मकसद एशियाई देशों के बीच सद्भाव की भावना को जाहिर करना था। इस कॉन्सर्ट में आयुष्मान खुराना ने चक दे इंडिया गाना भी गाया था। इस दौरान आयुष्मान खुराना के भाई अपार शक्ति खुराना भी उनके साथ गाना गाते नजर आए थे। पहले दोनों ही बॉलीवुड गाने गाते हैं और फिर पंजाबी, बंगाली और साउथ इंडियन के गाने भी गाते हैं।